तो मैं नागपुर के लिए निकल रहा हूँ और अभी मैं दिल्ली स्टेशन पे हूँ। जैसा आप देख सकते हैं मेरे पीछे ये दिल्ली स्टेशन है और यहाँ से मैं निकल रहा हूँ और आगे जैसे जैसे मेरी जर्नी स्टार्ट होगी मैं ईच एंड एवरी चीज़ आपको बताता चलूँगा, दिखाता चलूँगा। ये मेरा पहला ब्लॉग है तो होप सो गाइस लाइक करेंगे। तो तमिलनाडु एक्सप्रेस 12622 प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे आएगी और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, देखते हैं आगे। तो अभी मैं दिल्ली रेलवे स्टेशन पर और नागपुर जा रहा हूँ और दिल्ली से नागपुर की जर्नी मैं आपको इस ब्लॉग में दिखाऊंगा। पहुंच चुका हूं, आप देख सकते हैं नागपुर का कुछ सीन है और उसके बाद हम लोग आगे दिखाऊंगा जहां जहां पहुंचूंगा। मेरा फ्रेंड्स आ चुका है लेने के लिए यहां पे। नागपुर फाइनली कुमार फाइनली हम लोग रीच कर चुके हैं नागपुर में और यहां पे हम लोग बहुत सारे फ्रेंड करने वाले हैं। ये मेरा कॉलेज मेट है, सबसे अच्छा फ्रेंड है और सब कुछ हो चुका है और अभी से हमारा मस्त फन सब स्टार्ट होने वाला है। मैं 2 दिन तक नागपुर में स्टे कर रहा हूँ और 2 दिन के बाद विद ही मान सौरभ टिकड़ी फिर से 3 इडियट मिलने वाले और फन करने वाले हैं। तो देखते हैं आगे क्या होता है। यो हेलो गाइस, अभी हम है फुटाड़ा पे। यहाँ पे फुटाड़ा बहुत जो देख रहे हो फुटाड़ा तालाब है। इसका पानी जो होता है एकदम शुद्ध होता है, पीने लायक नहीं होता बट शुद्ध होता है। तो भाई हमारे नागपुरियन फ्रेंड ने आपको फुटाड़ा तालाब के बारे में बताया, अगर आप नागपुर आते हो तो एक बार जरूर यहाँ विजिट करना, बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है। चलिए मैं आगे इधर आपको कभी बोर नहीं होगा अगर सामने देखोगे तो। इधर में बहुत सारे फॉक्स स्टूडियो है, बर्गर किंग है, डोमिनोज पिज्जा है, गार्डन कैडबी है, ऐसे बहुत सारे रेस्टोरेंट मिलेंगे। मैं एक बार कैमरा मूव करता हूँ और ऐसा कुछ सीन है यहाँ पे। चलो लेट्स गो, आगे दिखाता हूँ आगे जब मैं जहाँ जाऊँगा वहाँ। लेट्स स्टार्ट द जर्नी ऑफ कलमेश्वर। अच्छा कलमेश्वर अभी हम लोग जा रहे हैं। ओके इसका कलमेश्वर घर है, वहाँ भी हम लोग जा रहे हैं, वहाँ आपको दिखाऊंगा नागपुर के कुछ हरियाली। मोरिया मंगल मूर्ति मोरिया गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है। गुड इवनिंग, मैं नागपुर के कर्मेश्वर में हूँ और यहाँ पे आ गया हूँ और अभी मनोज यहाँ पे उसके आधार कार्ड में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो आधार कार्ड में एडिट करवाने गया हुआ आधार केंद्र है यहाँ पे। तो एडिट कराने के बाद सीधा अभी हम लोग होटल जाएंगे, होटल जाकर फ्रेश होंगे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करते हैं। और कल मैं अपने फ्रेंड सौरभ के यहाँ जाएंगे और वहाँ पे कुछ ब्लॉग बनाऊंगा, वहाँ पे कुछ दिखाऊंगा आपको इन चीज। चलिए नागपुर में हूँ, कुराड़ी एक टेम्पल है यहाँ पे माँ लक्ष्मी का, वहाँ पे मैं आपको लेके चलूंगा और दिखाऊंगा अंदर क्या है कैसा है। फ्रेंड्स अनदर डे मैं नागपुर के कुराड़ी मंदिर में हूँ, माँ लक्ष्मी जगदम्बा जी का मंदिर है जैसे कि आप देख सकते हैं, बहुत ही ज्यादा फेमस है नागपुर में और यहाँ पे आप जब भी आओ तो जरूर इस मंदिर में विजिट करना। ऐसा कुछ ये देखो बना हुआ है, पीछे देख सकते हैं माता जगदम्बा जी की मंदिर। ये मेरा फ्रेंड मनीष भाई है, अभी हम लोग नागपुर में मिलने आए हैं और ये बर्थडे बॉय भी है, आजा हेलो। अच्छा हाय, ये हम लोग सब किड्स कॉलेज से है, मेरे ब्लॉग भी जाएगा। हम लोग सारे किड्स कॉलेज से, ये बर्थडे बॉय है हमारा। आज अभी हम लोग केक काटने जा रहे हैं, केक लाया नहीं, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली आज इसका बर्थडे है, ये हमारा मिस्टेक है लेकिन फिर भी अभी हम लोग जाएंगे केक कटिंग के लिए, मिलते हैं आगे। अब मैं जा रहा हूँ दिल्ली और ये जा रहे भाई नागपुर और मैं जाते जाते भी मिल लूंगा अपने 2-3 और फ्रेंड से, अब मिलते हैं उनसे। प्रताप नगर की तरफ जा रहा हूँ, वहाँ पे मेरे एक फ्रेंड है यशु एंड राहुल, उन लोगों से मिलेंगे जो कुछ बातचीत करेंगे। बातचीत करने के बाद अगर हो सके मैं अगर रिकॉर्ड कर सका तो आप लोग को भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स अभी मैं राजीव गांधी उद्यान के पास नागपुर में और मैं अभी एक फ्रेंड से मिलने आया हूँ, पास आ गया हूँ, अपने फ्रेंड का वेट कर रहा हूँ, जैसे आएगी उसके बाद मिलेंगे, मिलने के बाद देखते हैं क्या होता है। मेरी फ्रेंड है, कॉलेज मेट है, इससे हम लोग बहुत टाइम के बाद आई थिंक 3.5 साल बाद मिल रहे हैं ना।
हेलो फ्रेंड्स, ये है आरटीएमएन यूनिवर्सिटी जहाँ से मैंने अपने एमसीए कंप्लीट करा था। आज मैं यूनिवर्सिटी आया हुआ क्योंकि मेरी डिग्री आ चुकी है और डिग्री लेने के लिए मुझे यहाँ से पता चला कि कॉलेज में जाना पड़ेगा, कॉलेज में डिग्री लूँगी तो कल मैं कॉलेज जाऊँगा, वहाँ से आपको बताऊँगा अपने कॉलेज के। अदर फ्रेंड मुकेश ढोंगड़ी, कहाँ है ये मेरा अगला फ्रेंड है मुकेश ढोंगड़ी जी, और मैं इनके घर आया हूँ, गणपति जी बैठाया इनने तो गणपति जी का दर्शन करने और प्रसाद भी खाने आए हम लोग। आ जाओ भाई, आप भी आ जाओ। और हम लोग अभी नागपुर में कलमेश्वर में है, नागपुर का एक तहसील है कलमेश्वर, वहाँ पे भी आए हुए गणपति बप्पा मोरिया करने। आप लोग भी दर्शन कर लो और आशीर्वाद ले लो। जय गणु बप्पा। बस सब लोग बोलो गणपति बप्पा मोरिया, गणपति बप्पा मोरिया। चलो आगे मिलते हैं दोस्त। चलो फ्रेंड्स, अभी हूँ मैं कलमेश्वर में और यहाँ पे एटीएम जाने वाला हूँ। आप देख सकते एटीएम है, यहाँ पे एटीएम से हम लोग पैसे कुछ विड्रॉल करेंगे। उसके बाद हम लोग अदासा एक टेम्पल है, वहाँ पे भी जाने वाला हूँ कुछ दोस्तों के साथ, तो लोग उन्हीं का इंतजार कर रहा हूँ। अभी अदासा जाएंगे, अदासा में दिखाएंगे वहाँ पे क्या क्या चीज़ है। सब कुछ सीन है, गणपति बप्पा मोरिया। हेलो गणपति बप्पा मोरिया। ऐसा कुछ कहना है इनके कान में जो कहोगे आप विशेष पूरी हो जाती है, जैसे दर्शकों ने कर रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हो अदासा टेम्पल, अब गणपति जी का यहाँ पे पूजा होता है और यहाँ से बाय बाय कर रहा हूँ मैं अदासा से। रामटेक रोड पे है, सौरभ ने बोला था 5 मिनट में आएंगे, उसका 5 मिनट अभी तक खत्म नहीं होगा। उसके आने के बाद उसकी हम लोग क्लास लेंगे और क्लास का वीडियो आपको जाए। और यहाँ पे देखते हैं लॉरी लॉरी आ रही है, हम लोग हाईवे पे खड़ा करा रखा है लड़का, और अभी तक आया नहीं है, तो देख लो कुछ ऐसा सीन है कि अभी पूरी हुई है। अरे अब यहाँ पे आए 5 मिनट बाद ये सौरभ भागे हैं, इनका 5 मिनट 15 मिनट पहले मैंने बोला था 5 मिनट में आ रहा हूँ, अभी 15 मिनट हो गया। चलिए अब बिगिन करते हैं। कॉलेज आ चुका हूँ, फाइनली मैं अपने कॉलेज आ चुका हूँ। ऐसा कुछ सीन है इस कॉलेज का, मेरा कॉलेज है जहाँ से मैंने अपना एमसीए कंप्लीट करा है। गुड आफ्टरनून, अभी हम लोग कॉलेज में फाइनली 3.5 साल के बाद अपने कॉलेज किट्स रामटेक में आए, और यहाँ पे आने के बाद हमें अभी हम लोगों ने डिग्री ले लिया है। डिग्री लेने के बाद अभी कैंटीन में अपने फ्रेंड लोग के साथ बैठा हूँ। ये सौरभ है, वो मनोज है, और ये वही टेबल है जिस टेबल पे हम लोगों ने ऑलमोस्ट जिसका भी बर्थडे होता था इसी टेबल पे हम लोग केक काटा करते थे। आज वही टेबल हमारे पास है और हम लोग आज उसी टेबल पे आज फिर से ब्रेकफास्ट कर रहे हैं, और फाइनली हमारी जो डिग्री भी मिल गई है यहाँ पे है। ओपन इट, सो योर डिग्री, जस्ट ओपन इट, जस्ट ओपन इट। तो मैं आप लोग को ये भी दिखा रहा हूँ जो हमारी डिग्री है, अभी फाइनली हमें मिल चुका है और हमें ओपन करके दिखाते हैं कैसा है क्या है। ये हमारी डिग्री है जो थोड़ा उल्टा है इसलिए दिख नहीं रहा है, और फाइनली हम कॉलेज अच्छा लगा हो। और आगे से भी मैं फ्रंट का भी रिकॉर्ड किया नहीं है, अभी जैसे जाते ही निकलते ही वहाँ पे फ्रंट का भी दिखा दूंगा किस तरीके का व्यू है। होप सो यू गाइस लाइक दिस ब्लॉग। ये मेरे फ्रेंड है सौरभ, और ये सौरभ मैं चाहता हूँ कुछ तुम बोलो अबाउट योर किड्स जर्नी एंड एंटायर थिंग, व्हाट एवर यू ग्रैब फ्रॉम हियर, और कैसा लग रहा है आपको वापस इस कॉलेज में आके। यही तो कैंटीन है हमारा, यही तो कैंटीन है जहाँ पे पोहे उपमा खा खा के निकाले दिन हमने, यही आके हम पतले से मोटे हुए हैं। हाय फ्रेंड्स, माय नेम मनोज है, और हम 3 इडियट्स हमेशा एक साथ आए, आज एक साथ डिग्री भी लेने आए, एक साथ पास आउट हुए, और आज हम तीनों जॉब करते हैं अपने अपने लोकेशंस पे, और फाइनली एक साथ आने का अपॉर्चुनिटी मिला है। आप कुछ कहना चाहोगे? जी हाँ, एक साथ अभी राकेश एक साथ की बात ही कर रहा था, हमारा सपना था कि हम शादी भी एक साथ ही करेंगे, लेकिन राकेश कुमार ने बहुत जल्दी की है इसके वजह से हम बहुत नाराज हैं। ये बीप हो जाएगा आप लोगों का। और एक्चुअली ये जो फाइनली कॉलेज खत्म कर रहे, ये हमारा कॉलेज का लाइब्रेरी है, अच्छे से दिखा पूरा दिखा रहा हूँ। ये कॉलेज लाइब्रेरी है, और कुछ कॉलेज का व्यू दिखा देता हूँ। कॉलेज ऑफ ईयर हो गया, फाइनली हमारा कॉलेज खत्म हो रहा है, फवारा चालू हो गया, चालू हो गया।
और मेरा कॉलेज ये हमारा किड्स आमटे के 3 साल बाद आए, बहुत अच्छा लगा और पुरानी यादें पूरी ताजा हो गई। एट द एंड ऑफ द कन्वर्सेशन यू गाइस वुड लाइक टू से समथिंग अबाउट माय चैनल, प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल, लाइक सब्सक्राइब एंड प्रेस बेल आइकन ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्शन, ऑन इंफॉर्मेशन कलेक्शन। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया की लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले डेस्टिनेशन पे, बाय बाय। Guys, please subscribe Information Collection channel. Here you can learn many things. Thank you.